उतर उतर कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं गिराऊंगा। तो फाइनली सुप्रभात मित्रांनो और वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 10 मुंबई लद्दाख राइड का और अभी हम लोग हैं मेरक गांव जो कि है पेंगोंग से 20 किलोमीटर आगे। तो कल रात हम लोगों ने स्टे किया था यहाँ पे है होम स्टे जो कि काफ़ी अच्छा और सस्ते में हमें मिला। तो आज का जर्नी हमारा होने वाला है मेरक से लेके हानले तक जो कि है 135 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स 3 से 3.5 घंटा लगने वाला है पर यहाँ के लोकल के मुताबिक पहले का 20-25 किलोमीटर का पैच पूरा ऑफ रोड है और थोड़ा टफ वाला ऑफ रोड होने वाला है। और तो बस भाइयों रेडी तो हम लोग हो गए, अभी बस थोड़े ही मिनट में निकलते हैं यहाँ से। और एग्जैक्टली मेरे पीछे देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा पेंगोंग लेक है और ये साइड पे है स्नो माउंटेंस। और ये जो पेंगोंग लेक के बाजू में आप कहाँ भी रुको, जो रात को टेम्परेचर डाउन होता है ना भाई साहब, गजब वाली ठंडी लगती है। रात भर तो हम लोग बस ऐसे ही नींद मिली हमको, क्योंकि क्या होता है मालूम है, कल रात हमारे साथ एक सीन हुआ, जैसे हम लोग ट्रैवल करके आए ना सबका सर भारी हो गया था। तो शायद यह ठंडी की वजह से हो सकता है। अभी ठीक है, बस अभी यहाँ से निकलते हैं हानले की ओर और एक बार ये मेरे पीछे का नज़ारा देख लो। ये देखो यहाँ पे है पेंगोंग लेक और यहाँ पे है स्नो माउंटेंस और यहाँ पे हमने स्टे किया था। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं हानले की ओर, तो सीधा अभी आपको मिलता हूँ बाइक पे गोप्रो मोड में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मेरक गांव से हानले के लिए और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9 बजे। और जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली सामने है पेंगोंग लेक और यहाँ पे है कई सारे होम स्टेज। देखो और अभी सब ऐसा ही रोड रहने वाला है आने वाले 20-25 किलोमीटर तक, तो देखते कहाँ तक हमें ऐसा ही है। देखो यहाँ पे कैंप भी है, टेंट भी है और कई जगह पे कैंप फायर किया हुआ भी देख रहा है। तो आप आओगे यहाँ पे, देखो पेंगोंग लेक पे क्या होता है कि आपको टेंट वगैरह जो भी है, होम स्टे तो नहीं है पेंगोंग लेक के इधर, लेकिन टेंट जो है वो काफ़ी महंगा गिरेगा। तो कोशिश यही करो कि मेरक तक आ जाओ तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग कल एक जगह पे रुके थे, उसने पहले हमें बोला 1000 रुपीज़ पर हेड, फिर हम लोग थोड़े आगे आए, फिर हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो हमें 4 जन के लिए 1600 रुपये में मिल गया। अभी देखो यही डिफरेंस होता है, आप थोड़ा घूमो अच्छे से इंक्वायरी करो फिर आपको भी सस्ते में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और ये देखो यहाँ पे है पेंगोंग लेक और ये उसके साथ पैरेलल ऑफ रोड वाला रोड और ये स्नो कैप माउंटेन, स्नो कैप तो नहीं बोलूँगा, पूरा स्नो वाला ही माउंटेन से। तो ये देखो जैसे कि आप देख रहे हो रोड तो एकदम सीधा सीधा है, अच्छा रोड मिला है, लेकिन जो ठंडी है ना भाई साहब, अभी देखो 10 भी नहीं बजे लेकिन मतलब सुबह के 10 भी नहीं बजे लेकिन इतना ठंडी है, तो सोचो शाम को क्या हालत होती रहेगी। और उसके साथ में यहाँ पे भी चल रहा है विंड ब्लास्ट और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लेवल अभी कम कम होते जाएगा। तो देखो सुबह भी हम लोग लगेज माउंट कर रहे थे ना, मतलब हमारे गेस्ट हाउस से बाइक तक लेके आए ना, तो सांस फूलने लग गई थी। तो देखो आराम आराम से हम लोग भी काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, गाड़ी चालू ही, मतलब सुबह जब मैंने बाइक चालू किया तो फर्स्ट सेल्फ में चालू हो गया, तो मैं 10 मिनट तक चालू रखा, फिर बंद किया, फिर लगेज लोड किया, फिर उसके बाद चालू कर रहा हूँ फिर भाई 5 मिनट बाद बाइक चालू हो गई।
अभी बीच में भी एक वाटर क्रॉसिंग में बंद गिर गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि बैटरी में जान ही नहीं है, सेल्फी नहीं उठा रही थी। तो कैसे तैसे करके बाइक चालू तो हो गई, अभी अच्छे से रन हो गई। अभी एक पीछे एक जगह पे हम लोगों ने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, तभी मैंने बाइक बंद कर दी और देखा चालू हो रही कि नहीं हो रही है, तो वहाँ पे तो फटक से चालू हो गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो बैटरी के अंदर का ग्रेविटी भी कम हो जाता है। और क्या है ना, जैसे अपने को स्ट्रगल होता है सांस लेने में, वैसा ही बाइक के साथ भी हो रहा है। क्योंकि ये देखो, O2 सेंसर का माल फंक्शनलिंग लाइट फिर से आ गया है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और गाड़ी भी बीच बीच में स्ट्रगल करती है। तो ठीक है, वैसे भी अभी 120 किलोमीटर ही और जाना है, तो चलो। वैसे आज का और कल का ही दिन है हम लोग लेह में, आज तो पहुँचेंगे हानले और कल जाएंगे हानले से उमलिंगला। उमलिंगला का देखो मेरा कंफर्म तो है नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले वीडियो देखा था, और देखो अभी अपने को यहाँ पे ही इतना तकलीफ हो रही है। जैसे कि अपने को खारदुंगला में, देखो खारदुंगला टॉप पे मुझे तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन साउथ पुल्लू जहाँ पे एंट्री पोस्ट है वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं हेलमेट पहन के 10 स्टेयर चढ़ के ऊपर गया, तो हल्का सा मुझे सफोकेशन हो गया। तो अभी देखते हैं, जितना तक हो जाएगा उतना तक जाने की तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कल, अगर हो सके तो पूरा भी उमलिंगला कर ले के आऊँगा। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छे एक्सपेक्टेशन रख के आओगे कि अच्छा रोड मिलेगा चले जाएंगे, तो ऐसा मां नहीं है। रोड देखो पिछले कई किलोमीटर से बस ऐसा ही रोड मिल रहा है, और बाइक जो है ना फर्स्ट सेकंड में ही ट्रैवल कर रही है, उस वजह से कि इंजन बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो रहा है। और कसम से बोलूँ ना तो अभी हल्का हल्का सर भी भारी होना चालू हो गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि बोर्ड अच्छा लिखा है लेकिन बहुत अंदर है। तो बस यहाँ से देखते हैं, अबाउट द चुशुल ब्रेव हार्ट्स, चुशुल मेमोरियल है ये। ओके, तो जैसे कि आप चारों तरफ देख लो, सिर्फ आपको पहाड़ और ये ऐसी लैंड ही मिलेगी, और कुछ कुछ जगह पे टायर के निशान मिलेंगे। तो देखो हम लोग भी अभी ये टायर के निशान देख देख के ही चल रहे, वैसे तो है गलत बात है, और अभी क्या कर सकते हैं। देखो ना कुछ भी तो लिखा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली वो ले से लेके हानले तक का हाईवे है, वो शायद आगे जाके हम लोग वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कोई तो बोल रहा था ये शॉर्टकट है, ऐसा कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड वाला रास्ता है, 25-30 किलोमीटर का तो रहेगा। तो अभी देखते हैं आगे जाके ले हानले हाईवे तो मिलेगा, हाईवे तो नहीं मिलेगा लेकिन स्ट्रेट रोड तो मिलेगा। तो चलो, और ये देखो, और जो आप देख सकते हो कितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है बाइक को भी और हमें भी। और यहाँ पे आगे है कोई तो एक साइन बोर्ड, रुकेंगे देखेंगे और चलेंगे आगे की ओर। यार मुझे पता नहीं यार, इधर ये फेंसिंग मारने के लिए कौन आके जाता है क्या। रेंजांगला मेमोरियल 3 किलोमीटर है यहाँ से। भाई अभी हम लोग आए हैं रेंजांगला मेमोरियल में, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ नाम लिखे हैं, ये यहाँ पे शहीद हुए 1962 में जो चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था, उस वॉर के दौरान जो शहीद हुए थे अपने इंडियन भाई, उनके याद में ये मेमोरियल बनाया गया है।
तो कहा जाता है मतलब अभी हम लोग ये भी देखे तो उसमें बताया कि जब 1962 में वॉर हुआ था तो कई भाइयों की जो शव है वो मिले थे, और कई भाइयों के शव जो 3 महीने बाद मिले जो कि पूरी तरह से फ्रीज हो गए थे। जो फ्रीज हुए जो शव थे उनके जब शव निकाले गए तो उनके शव से हाथ में बंदूक थी, वो भी नहीं छोड़ी थी। तो 114 भाई शहीद हुए थे, उसमें से 113 भाइयों को यहाँ पे अंतिम संस्कार किए गए, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया और उनके याद में ये है मेमोरियल। और मेजर शैतान सिंह खाली उनका शव उनके घर पे दिया गया था, बाकी 113 भाइयों को यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया, तो उनके याद में ये बनाया गया है रेंजांगला मेमोरियल। तो ये कुछ नाम है, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे पुराने टाइम की मतलब 1962 की जो भी कुछ गन थी, ग्रेनेड थे या मोटर गन थी, वो सब यहाँ पे रखी है। फिर उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा, और ये कुछ है यहाँ पे बनाया हुआ मेमोरियल, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, तो आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी का भी आस्वाद ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हनले की ओर, तो और मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। तो भाई अभी यहाँ से तो हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली आप वहाँ पे देखो तो लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे 2 चेक पोस्ट दिख रहे हैं सामने सामने बिल्कुल। एक है चाइना का चेक पोस्ट है और उसके सामने है अपना इंडिया का चेक पोस्ट। अगर यहाँ से देखोगे जो लेफ्ट साइड में है वो है चाइना का, और राइट में देखोगे तो वो है इंडिया का चेक पोस्ट। और ये देखो ये अभी फ़िलहाल में ही रिन्यूएशन हुआ है, तो अभी इसका फ़िलहाल में ही रिन्यूएशन हुआ है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। तो आप भी आओगे तो इसे इसकी खूबसूरती बरकरार रखने में कोशिश कीजिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रेजांगला मेमोरियल से हानले की ओर, और अभी और यहाँ से 15-20 किलोमीटर का रफ सफ़र ऐसे ही ऑफ रोड में होने वाला है। अभी यहाँ पे एक सीन क्या हुआ मालूम है, जब मैं एंट्री कर रहा था ना तब मोबाइल में टाइम चेक किया तो हुआ था 10:50, और जैसे अंदर गया ना और मैंने फिर से टाइम चेक किया तो फटाक से 2 दिखाने देगा। तो फिर से एक बार चेक किया ना तो यहाँ पर चाइना का टाइम दिखा रहा था, तो एग्जैक्टली वहाँ पे है चाइना का बॉर्डर, उसके सामने ही अपना इंडिया का चेक पोस्ट, दोनों चेक पोस्ट सामने सामने ही है। तो अभी हमें भी उन्होंने यही कहा कि रास्ता पकड़ के चलो, इधर उधर मत जाइए, आप चेक पोस्ट लगेगा उन्हें बता दीजिए हनले जाना है, वो आपको छोड़ देंगे, इधर उधर मत भटकीएगा, ठीक है। ये देखो ये रास्ता ऐसा है, यही पकड़ के अभी हमको चलना है आगे की ओर। तो ये देखो काफ़ी समय बाद हमें अच्छा रास्ता मिला है, लेकिन रोड के बीचों बीच देखो कैसा ग्रेवल है, तो इसी वजह से ना गाड़ी स्कीड हो जाती है। ये देखो बच्चा टाली देने के लिए आ गया। इसी में इन्हें खुशी मिल जाती है, तो खुशियाँ बांटते चलो और ये पल अपने साथ कैद करते चलो। ये देखो गिने चुने कुछ मकान है यहाँ पे। ओ भाई साहब अब तो हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये देखो क्योंकि अभी इंक्लाइन चालू हो गया है और पहाड़ों पे ऐसा सैंड मिलना मतलब, ये देखो गाड़ी बैठ रही है पीछे से, ये देखो ओ हो बहुत संभल गए आज। देखो गाड़ी कैसी बैठ रही है, उतर। कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं गिराऊंगा। तो फाइनली यहां से तो निकल गया मैं, देखो कोशिश यही करो बैलेंस बनाओ, बाइक मत गिराओ। तो ये देखो कौन सा रोड है कुछ मालूम नहीं, बस सीनिक व्यू दिखा, गोप्रो चालू कर दिया। ये देखो रिवर है
और रिवर को पैरेलल ये रोड। और ये रोड यहाँ से भी कहीं से तो आ रहा है, अभी शायद यही ले से हानले वाला रोड होना चाहिए। अगर ये से होगा तो क्या बात। और शायद से यहाँ से फिर से एक बार करनी पड़ेगी एंट्री हानले 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी हमारा हुआ है परमिट चेक और यहाँ से आगे जाने की परमिशन हमें मिल गई है। और यहाँ पे देखो एक जेसीबी पानी में डूबा हुआ है। तो अभी यहाँ से यहाँ पे हमें महाराष्ट्र के एक भाई मिले थे, फौजी भाई, आर्मी वाले भाई, तो उन्होंने बताया कि ये 2 साल से बस ऐसा ही है। ये देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ अलग ही टाइप का, क्या है बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग आनले के अंदर आ चुके हैं। और ये देखो ये मिट्टी है, पत्थर है, क्या है कुछ मालूम नहीं। और इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की घास भी आई है, तो अभी तो मालूम नहीं। और नज़ारा देखो भाई साहब, गजब। ये देखो यहाँ पे है हानले गांव, विंटर कार्निवल, वेलकम टू हानले। ये देखो अभी सबसे पहले ढूंढना है हमें होम स्टे, क्योंकि भाई साहब मुझे होना है फ्रेश। वैसे तो नहाने का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि अभी टेम्परेचर है 8 डिग्री और इसमें कौन नहाएगा।